साहा में एक कंपनी का मोबाइल टावर रिपेयर करने के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल मोबाइल टावर रिपेयर करने के लिए 3 युवक टावर पर चढ़े थे, जिनमें से एक की सेफ्टी बेल्ट टूटने के कारण गिरने से मौत हो गई। मौत होने के करीब आधे घंटे तक युवक का शव टावर पर ही लटका रहा। मृतक की पहचान तंदवाल गांव के रहने वाले पिंटू के रूप में हुई है। मृतक की उम्र 24 वर्ष बताई जा रही है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। एसएचओ ने जानकारी देते हुए बताया कि क्रेन की मदद से युवक के शव को नीचे उतारा गया था और फिर सिविल अस्पताल में भेज दिया गया था। साहा से हिमांशु की रिपोर्ट। सूचना प्राप्त हुई थी कि साहा अंबाला रोड पर जो सत्संग भवन है उसके पास टेलीफोन का टावर है, वहाँ पे एक आदमी ऊपर से गिर गया और बीच में अटका हुआ है। इसी दार पे मेरी पुलिस टीम वहाँ पे पहुंची। पहुंचने के बाद जैसे छानबीन करने के बाद ये पता चला कि वो जो लड़का था वो टावर पे काम कर रहा था। काम करने के दौरान जो उन्होंने सेफ्टी बेल्ट लगाई हुई थी वो अचानक टूट गई और वो ऊपर से गिर पड़ा। हमने फिर मौके पे हाइड्रा मंगवा के उस लड़के को नीचे उतार के उसकी जो डेड बॉडी है सिविल हॉस्पिटल में रखवाई गई है, लेकिन अभी तक हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, सॉरी जो कोई भी कंप्लेंट प्राप्त नहीं हुई है कि क्या कार्रवाई करें। जैसे कंप्लेंट हमें प्राप्त होगी कंप्लेंट के आधार पर हम आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाए। हम अंदरगढ़ में बैठे थे तो हमें एक जोर की आवाज़ आई, पता लगा कि टावर के ऊपर से कोई बंदा गिर गया है। तो हमने देखा कि बाहर आके कुछ सेफ्टी रीजंस के कारण जिसके कारण ये टावर से नीचे गया और बीच में लटक गया और अब इसकी डेथ हो चुकी है यहाँ मौके पर। कितनी देर से ये यहाँ पर लटका हुआ है? अभी ये इसको जी हो गए तकरीबन आधा घंटा हो गया इसको।